भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता सही होता है। आप अपने लिए अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय कुमार, आज फिर से आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। तो चलिए सीधा स्टोरी सुनते हैं। ये कहानी है दिल्ली की एक ऑफिस में काम करने वाली किरण नाम की महिला की। उस महिला की ये आदत होती है कि उसके अलावा कोई काम करता है तो उसको काम पसंद नहीं आता है, उसको केवल अपना काम पसंद आता है, अपना करने का जो तरीका होता है उसको यही पसंद आता है। वो ऑफिस के हर किसी व्यक्ति में, हर काम में कोई ना कोई कमियां ढूंढती रहती है, कमियां निकालती रहती है। ऐसे ही एक दिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, सामने की बालकनी से एक महिला अपने घर में कपड़े सुखाने आती अपने बालकनी में। तो महिला जो ऑफिस में किरण होती है वो देखती है उसके कपड़े गंदे होते हैं जो पहनी होती है, और जो धूल के सुखाने आई होती है वो भी कपड़े गंदे होते हैं, और जिस छत पे वो कपड़े सुखा रही होती है वो छत भी गंदा होता है। तो अपने साथ में बैठे सहकर्मी से किरण कहती है, देखो ना वो कितने गंदे कपड़े पहनी है और कितने गंदे कपड़े धूल के सुखाती है, छत भी कितना गंदा है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हर बार वो कहती रहती थी कि कितने गंदे कपड़े पहनती है, कितने गंदे कपड़े सुखाती है। जब भी वो महिला कपड़े धोकर सुखाने आती उसको नोटिस करती, यही चीज वो हमेशा बोलती रहती, हर बार यही होता। एक बार ऐसे ही अपने ऑफिस में किरण बैठी हुई थी, वो महिला कपड़े सुखाने आती है तो देखती है कि कपड़े उसके गंदे हैं, गंदे धुले हैं। इतने ध्यान से देख रही होती है, उसका ध्यान अपने कामों पर होता ही नहीं है, जो काम कर रही होती, काम पे उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं होता। इतने में उसके बॉस उसके पास आकर खड़े हो जाते, कहते किरण कहां ध्यान है आपका, अचानक तो चौंक कर खड़ी होती है। फिर कहते सर कुछ नहीं सर, बस मैं उस महिला को नोटिस कर रही थी जो कपड़े सुखा रही थी। आप भी देखे ना सर कितने गंदे कपड़े धुलती है और कितने गंदे कपड़े पहनती है, बताइए कैसे रहती है वो। तो उसके बाद केवल एक शब्द बोलते हैं कि किरण मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल दूंगा। तो महिला कहती, किरण कहती ठीक है कल दीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन अपने ऑफिस में किरण जब आती है, फिर जब वो महिला कपड़े सुखाने आती है तो फिर वो सर को बुलाती है, अपने जो उनके बॉस होते हैं बॉस को बुलाती है, कहती कि सर आज तो कमाल हो गया, देखिए ना कितने साफ कपड़े पहनी है और छत भी उसका साफ है और जो कपड़े सुखाने आ रही वो भी कपड़े साफ है, आश्चर्य होता उसको। तो उसके बॉस जो होते हैं कहते हैं कि वो महिला इसके पहले भी कपड़े अच्छे से धोकर सुखाती थी और कपड़े साफ पहनती थी और उसका छत भी साफ था, कमी तो आपकी बालकनी की जो शीशा है उस पर धूल जम गया है, जहां पे गलती है उस धूल की वजह से सारा कुछ आपको गंदा दिखता है। किरण को यह बात तुरंत समझ में आ गई कि किसी को कुछ कहने से पहले, कुछ गलत कहने से पहले थोड़ा अपने अंदर भी देखा जाए, कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं किसी को जज करने में। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी को ऐसे ही हर कामों में गलतियां ना ढूंढते रहे, हर किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, हम वहां से अच्छाई सीख सकते हैं। एक और भी बात हमें ये कहानी सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव पहलू देखने के बजाय हम उसका पॉजिटिव वाला पहलू देते, कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव जरूर मिलेगा। कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगले स्टोरी में। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों ख्याल रखें। जय हिंद।